और जब आपने स्क्वाड का जिक्र किया तो पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का भी ऐलान किया। जब आप इस प्लेइंग 11 को देखते हैं तो यहाँ पर आपको लगता है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? क्या पाकिस्तान अबुधाबी में मैच खेल रहा है, पाकिस्तान दुबई में मैच खेल रहा है, या पाकिस्तान शारजा में मैच खेल रहा है? इसमें कोई भी स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर नहीं है, एक है लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये तीनों स्पिनर्स पाकिस्तान के काम आ सकेंगे ये? और क्या, अगर पहली बैटिंग इंग्लैंड ने कर ली, डेढ़ दिन उन्होंने बैटिंग कर ली, तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। जो टेस्ट टीम मैं आपको बना के दे देता हूँ, और सोने पे सुहागा देखो, ये इतने बड़े चैंपियन बनते सारे सिलेक्टर, एक फास्ट बॉलर सेकंड टेस्ट मैच के लिए जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप एक फास्ट बॉलर के साथ गए, वो भी ऑलराउंडर, ये स्ट्रेटेजी चलेगी आपके ख्याल में? क्या सोचकर आपने, एक फास्ट बॉलर वो भी ऑलराउंडर है, बिल्कुल, और वो भी ऑलराउंडर है, और ग्रैंड स्टोक्स ही कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिवर्स स्विंग भी होगा, और क्या शर्त है, क्या आपके पास श्योरिटी है कि आप टॉस जीतोगे? अगर वो टॉस जीते तो डेढ़ पौने दो दिन में 500-550 रन बना देंगे और आपके लिए खेलना मुश्किल हो जाएगा। इंग्लैंड को कैसे हराया जाए, क्योंकि पहला टेस्ट मैच तो वो जीत चुके हैं। तो जेसन गिलेस्पी साहब को मेरा फ्री में मशवरा है कि वो कॉल करें राहुल द्रविड़ को, उससे पूछें कि आप भी पहला टेस्ट मैच हारे थे इंग्लैंड से, फिर क्या किया आपने, ऐसा क्या प्लान करा कि आपने बिल्कुल चारों छिकाने चित कर दिया इंग्लैंड को? हम एक मैच जीते वहां पे स्टार्ट भी नहीं होते, हमारे बड़े बड़े स्क्रीन पे रेड मार्क आना शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, तबाह कर दिया। गलती तो हमारी तरफ से ना कि हम स्क्रीन पे क्यों शॉट दे रहे थे बड़े बड़े, हम ये कर देंगे, हमें शाहीन, हमारे ग्रीन शाहीन ये कर देगा। 18 इनिंग्स में हम सोच नहीं देखते कि बाबा जैसा प्लेयर 50 नहीं करेगा। अब एक फास्ट बॉलर भाई, दो फास्ट बॉलर किसी रेगिस्तान में भी आप खिला देते हैं भाई, दो फास्ट बॉलर लाजमी, इसका मतलब ये कि आप आमिर जमाल पे जा रहे हैं। बहुत आला यार, इस पे तो क्लैपिंग बनती है। आमिर जमाल और दूसरे अड्डे क्या स्पिनर गेंद करेंगे? मार मार के उन्होंने बुरा हाल कर देना आप लोगों का। किस तरह का तजर्बा है, मेरी तो अकल बिल्कुल दम है, इतनी मैंने क्रिकेट कवर की है, मैंने आज तक जिंदगी में ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं देखी। ठीक है कामरा। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो हाइलाइट्स। आपने देख लिया, हम कमल वीडियो की तरफ आपको लेके जाएंगे। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है। कोई भी फास्ट बॉलर नहीं है, सिर्फ एक फास्ट बॉलर है जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, और तीन स्पिनर्स हैं। अगर जो विकेट है वो स्पिन फ्रेंडली ना हुई तो इंग्लैंड जो है वो अगेन पाकिस्तान को बहुत मारेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, तनवीर अहमद साहब जो है वो चीख चीख कर कह रहे हैं। तो चले मुकम्मल वीडियो की तरफ आपको लेके जाएंगे, उससे पहले आप सुरक्षा के चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। को ड्रॉप किया जाएगा, ड्रॉप नहीं, उन्होंने रेस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया, बाबर आजम को रेस्ट करवाया जाएगा। एंड साथ साथ जो मीटिंग में खुद मौजूद थे सरफराज अहमद, उनको भी कहा गया आप भी रेस्ट कर लें, और कोई नए लड़के को। अच्छा मेंटोर वो मीटिंग में भी मौजूद थे और वो टीम से वो भी ड्रॉप हुए, उनको पता ही नहीं था कि वो भी ड्रॉप होने वाले हैं। और जब आपने स्क्वाड का जिक्र किया तो पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का भी ऐलान किया। जब आप इस प्लेइंग 11 को देखते हैं तो यहाँ पर आपको लगता है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? क्या पाकिस्तान अबुधाबी में मैच खेल रहा है, पाकिस्तान दुबई में मैच खेल रहा है, या पाकिस्तान शारजा में मैच खेल रहा है? इसमें कोई भी स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर नहीं है, एक है लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये तीनों स्पिनर्स पाकिस्तान के काम आ सकेंगे? और क्या, अगर पहली बैटिंग इंग्लैंड ने कर ली, डेढ़ दिन उन्होंने बैटिंग कर ली, तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। जो क्या वाकई हम वो मुल्क हैं जिस मुल्क से फजल महमूद खान, मोहम्मद सरफराज नवाज, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनस, जलालुद्दीन वकार यूनस, शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, और इस तरह के जाहिद महमूद, मोहम्मद समी, एक ऐसी बड़ी तादाद है फास्ट बॉलर्स की जो कि दुनिया पर जिन्होंने हुक्मरानी की है, और आज हम अपने मुल्क में खेलते हुए एक भी स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ मैदान में नहीं उतर रहे हैं। तो ये है वो आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या हो गया पाकिस्तान के क्रिकेट को? टेस्ट टीम मैं आपको बना के दे देता हूँ, और सोने पे सुहागा देखो, ये इतने बड़े चैंपियन बनते सारे सिलेक्टर, एक फास्ट बॉलर सेकंड टेस्ट मैच के लिए जा रहा है। ये इतने बड़े चैंपियन बनते सारे सिलेक्टर, इतनी समझ है लोगों को। जाहिर सी बात है, जिस सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार और चीमा साहब होंगे, वो सिलेक्शन कमेटी क्या होगी? अब एक फास्ट बॉलर भाई, दो फास्ट बॉलर किसी रेगिस्तान में भी आप खिला देते हैं भाई, दो फास्ट बॉलर लाजमी, इसका मतलब ये कि आप आमिर जमाल पे जा रहे हैं। बहुत आला यार, इस पे तो क्लैपिंग बनती है। आमिर जमाल और दूसरे अड्डे क्या स्पिनर गेंद करेंगे? मार मार के उन्होंने बुरा हाल कर देना आप लोगों का। इधर घूम रहे हो, अगर आप ये समझ रहे हो ना कि बड़ा कोई तीन तीन स्पिनर खिला के हम बड़ा कोई चैंपियन बन जाएगा, आपको लग पता जाएगा। इधर घूम रहे हैं भाई, अगर स्पिनर की मार लगती चली गई तो कौन फास्ट बॉलिंग करेगा? मैं करूंगा, मुझे बुलाएंगे घर से, तनवीर साहब आके थोड़ा बॉलिंग कर दो यहाँ पे। क्या हो गया यार, ये कौन सी सिलेक्शन? मतलब आपको लगता है तनवीर साहब कि नया बॉल भी पाकिस्तान, उसके जो एडवांटेज होता है नए बॉल का, वो भी पाकिस्तान ने खो दिया? और फिर जब अगर पिच थोड़ा फर्ज कर ले मदद करता है, बॉल रफ होता है, तो आप रिवर्स से भी निकल गए क्योंकि आपके पास में एक ही फास्ट बॉलर है। तो ये दोनों जो फास्ट बॉलर के हथियार हैं, नए बॉल के साथ और पुराने बॉल के साथ, उसको सिलेक्शन कमेटी ने बिल्कुल उसका फ्यूज उड़ा दिया। ये बाबर के साथ जो हुआ, ये आपकी, आपने जो क्रिकेट बर्बाद कर दिया ना सबों ने मिलके, ये उसकी वजह से बाबर के साथ हो रहा है, या उसकी वजह से ये शाहीन के साथ हुआ है। अगर आप तरीके से चलते रहते, आपकी क्रिकेट कभी भी कहीं नहीं जानी थी। कभी आप कभी अपने करियर में ड्रॉप नहीं हुए? आपको कभी रेस्ट नहीं करवाया गया? कभी ड्रॉप नहीं किया गया? ओ भाई, मुझे तो 4 टेस्ट मैचेस पर रेस्ट करवा दिया 5 के बाद। क्या इतना बवाल मचा उस बात पे? इतना क्या इतना बवाल मचा उस बात पे?
उसकी वजह ये है क्योंकि मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला हुआ था। आज दोपहर में कल के पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दी है। कैसा देखते हैं क्या हुआ ये बाबर आजम को रेस्ट देना, साथ साथ शाहीन आफरीदी को भी और नसीम शाह को भी और सरफराज को भी रिलीज कर देना, क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत बड़ा तमाशा चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। कौन चला रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का। हमने एक बाबर आजम को ड्रॉप करने के लिए 3-4 इजलास कर लिए, मेंटोर्स को बुला लिया, एक मेंटोर तो स्क्वाड का भी हिस्सा था उसको फिर रिलीज कर दिया। 3 तो फ्रंट लाइन स्पिनर आपने रख लिए हैं 11 में, चौथा आपने जिम लेकर आप बना रहे हो, तो जिम लेकर वो सलमान अली आगा है और वो आप हमेशा से कहते हो कि आगा सलमान हमारा फ्रंट लाइन स्पिनर है। 4 स्पिनर ये हो गए, कायम अयूब को भी विकेट मिली थी वो 5वां स्पिनर हो गया, 6ठा स्पिनर कामरान गुलाम जी। क्या सोचकर आपने एक फास्ट बॉलर वो भी ऑलराउंडर है, बिल्कुल, और वो भी ऑलराउंडर है और ग्रैंड स्ट्रोक ही कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिवर्स स्विंग भी होगा, और क्या शर्त है, क्या क्या आपके पास श्योरिटी है कि आप टॉस जीतोगे? अगर वो टॉस जीते तो 1.5-2 दिन में 500-550 रन बना देंगे और आपके लिए खेलना मुश्किल हो जाएगा। किस तरह का तजर्बा है, मेरी तो अकल बिल्कुल दम है, इतनी मैंने क्रिकेट कवर की है मैंने आज तक जिंदगी में ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं दी। ठीक है, कामरान की तरफ बढ़ते हैं। कामरान, टीम पे शाहिद भाई ने ये टॉपिक छेड़ दिया है, देखिए अगर एक फास्ट बॉलर के साथ जाना था तो वो फास्ट बॉलर प्रॉपर फास्ट बॉलर तो होता, जैसे कि मीर हमजा या कोई भी और ऑप्शन हो सकता था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप एक फास्ट बॉलर के साथ गए वो भी ऑलराउंडर, ये स्ट्रेटेजी चलेगी आपके ख्याल में? देखिए नीतीश, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बोर्ड को ये सोचना चाहिए, आपकी टीम 9वें नंबर पे है और आप प्लेयरों को रेस्ट करवा रहे हैं, क्या हो गया, मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का? दूसरा, मुझे आई डोंट नो, मैंने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में बैक टू बैक एक पिच पे टेस्ट मैच होता हुआ नहीं देखा मैंने, ये मैंने नहीं देखा। या फिर आपके क्रिकेटर को बनानी नहीं आती ब्रेक पिच जो चाह रहे थे बनाना, जो मेरे ख्याल से ये वाली जो प्लानिंग है जो पाकिस्तान टीम ने ये 2 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ ये ऐसी टीम बनानी चाहिए थी, इस बॉलिंग लाइनअप के साथ खेलना चाहिए था। उस वक्त तो हम लोग नेगेटिव अप्रोच के साथ गए हैं, हम उस अप्रोच के साथ गए हैं, हम लोग ड्रॉ खेल जाए, हमारे बैट्समैन रन लंबे कर लें और ड्रॉ देगा कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो ऐसी जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसी नेगेटिव चीजें लाएंगे तो आपकी क्रिकेट कभी ऊपर नहीं जाएगी। आज देखें, आज क्यों ऐसा करना पड़ गया, के साथ आप खेल सकते हैं ऐसी बॉलिंग लाइनअप के साथ, इतना ईजी नहीं होगा खेलना। बिल्कुल सही है, ये पहले टेस्ट मैच में हमने सोचा था कि दूसरे दिन से बॉल स्पिन होगा, लेकिन वो तो 5वें दिन भी नहीं हुआ और क्यूरेटर को बोला गया था कि जी आप ऐसी पिच बनाएं। अब आप ये देखें, सोने पे सुहागा कि क्यूरेटर ऑस्ट्रेलिया से, मतलब ऑस्ट्रेलियन है, आईसीसी का रह चुका है क्यूरेटर, उसको पिच बनाना नहीं आती। अब उसने क्या करा कि उसी पिच पे खिला दिया कि शायद बॉल स्पिन हो जाए, बॉल स्पिन तो होगा लेकिन नीचे भी बैठेगा। ऐसे क्यूरेटर को लगाने का क्या फायदा जिसको पिच बनाना नहीं आती हो? आपको आपके पास टाइम तो था, 3 दिन में क्या पिच बनती नहीं है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक उड़ रहा है दुनिया में, उसी पिच पे खिला रहे, गलत है। क्यूरेटर लें तो कोई ऐसा लें जिसको पिच बनाना आती हो। बराबर में देखें ना, इंडिया में किस तरह की पिच बनाते हैं, जैसा बोलते हैं वैसी एक्यूरेट पिच बनती है। इंग्लैंड को कैसे हराया जाए, क्योंकि पहला टेस्ट मैच तो वो जीत चुके हैं। तो जेसन गिलेस्पी साहब को मेरा फ्री में मशवरा है कि वो कॉल करें राहुल द्रविड़ को, उससे पूछें कि आप भी पहला टेस्ट मैच हारे थे इंग्लैंड से, फिर क्या किया आपने, ऐसा क्या प्लान करा कि आपने बिल्कुल चारों छिकाने चित कर दिया इंग्लैंड को? कोई बुरी बात थोड़ी है। और रोहित शर्मा ने कप्तानी में क्या किया, जसवाल ने कैसा फेटा लगाया था इंग्लिश बॉलर्स का, सरफराज खान ने किस तरह खेला, गिल ने किस तरह खेला, वो देखें वीडियोस देखें, किस तरह अश्विन ने पकड़ा, किस तरह बुमराह ने यॉर्कर्स पे स्लो वन पे अपनी तेज बॉल पे डंडे उड़ाए, जडेजा ने किस तरह आउट करे और कुलदीप ने किस तरह आउट करा। तो ये सीखने वाली चीज है, ये देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीज डिफरेंट हो जाए। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद राहुल द्रविड़ एंड कंपनी ने पता क्या करा था, वनडे की तरह टेस्ट मैच खेला था। अब हारने के मतलब हार का डर निकाल दें, ये इंडिया ने करा था कि हम काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक करेंगे, तो 4-1 से जीते थे। इससे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हारेंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं, लास्ट टाइम भी व्हाइट वॉश हुआ है ना। तो ये मेरा एक मशवरा भाई और जेसन गिलेस्पी साहब को मशवरा है, कॉल इन राहुल द्रविड़, उससे बात करें, पूछें, या रोहित शर्मा से पूछें कि किस तरह कप्तानी करी थी। तो वीडियो जो है वो आपने कंप्लीट पांच कर ली है। आई होप कि जो विकेट है वो बॉलिंग फ्रेंडली हो, यानी कि स्पिन फ्रेंडली विकेट हो और पाकिस्तान जो है वो इस टेस्ट मैच को जीत पाए। जो हरगिज ऐसा लग नहीं रहा जैसी फॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चल रही है और जैसी फॉर्म में इस टाइम इंग्लैंड की टीम है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो इस सीरीज में कोई मैच जीत पाएगा। तो आप सिर्फ कैसा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।